हेलो एंड वेलकम टू कारखाना फ्रेंड्स। बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई कंपैरिजन वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहे हैं हम, तो उनकी डिमांड पे आज हम कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 और इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट और ऑप्शनल वेरिएंट यानी कि इसके बेस वेरिएंट की बात करेंगे। देखेंगे इन दोनों गाड़ियों के इस बेस वेरिएंट में किन किन चीज़ों का डिफरेंस आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑल्टो 800 स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑप्शनल में केवल और केवल सिर्फ दो चीज़ों का ही बड़ा डिफरेंस मिलता है, लेकिन हमने इसकी एक और कैटेगरी बनाई है यानी कि इसकी प्राइस कैटेगरी, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं इसकी प्राइस रेंज की, जो कि इन दोनों के एक शोरूम प्राइस की बात करेंगे। तो जहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मॉडल यानी कि इसका जो बिल्कुल बेस वेरियंट है, इसका एक शोरूम प्राइस दिल्ली में रहने वाला है 2,99,000 के पास में, और वहीं पर ऑप्शनल वेरिएंट के लिए आपको एक शोरूम कीमत देनी पड़ेगी 3,04,900, यानी कि लगभग 5,100 रुपये या फिर 5,000 रुपीज़ का अंतर बोल सकते हैं, यहां पर आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यही दोनों इसका पहला फर्क आ जाती है। और अगर इनके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो जहाँ पर आपको स्टैंडर्ड वेरियंट के लिए 3,47,000 रुपये, जी हाँ, यानी कि 3.47 लाख रुपीज़ चुकाने पड़ेंगे, तो वहीं पर ऑप्शनल वेरिएंट के लिए 3,53,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, यानी कि इसके ऑन रोड प्राइस में लगभग 6,000 रुपये का ही फ़र्क मिलता है। अब बात करते हैं इसके फीचर डिफरेंस की। तो यहाँ पर जो पहला डिफरेंस रहने वाला है वो है इसके एयरबैग्स, जी हाँ, क्योंकि ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं जो कि ड्राइवर और को ड्राइवर साइड में आपको दिए जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको सिंगल एयरबैग मिलता है जो कि आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही मिलता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे डिफरेंस की। तो दूसरे डिफरेंस में आपको यहाँ पर जो फ़र्क मिलने वाला है इनके सन वाइजर्स में मिलने वाला है, क्योंकि स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही सन वाइजर मिलते हैं, लेकिन ऑप्शनल वेरिएंट में आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों साइड पर सन वाइजर मिल जाते हैं। तो बस यही थे इनके जो बड़े पॉइंट, आप जिसको बोल सकते हैं कि यही दो डिफरेंसेस आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप अगर इस गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंट लेना चाहते हैं, तो आप ऑप्शनल वेरिएंट पे ही जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है। अब दोनों की कॉमन चीज़ों की बात कर लें, अगर एक बारी बात करें तो इसके इंजन की बात करेंगे। दोनों में आपको 0.8 लीटर का इंजन मिल जाता है, और पावर की बात करें तो ये आपको 35.3 किलोवाट की पावर दे देती है, साथ ही टॉर्क की बात करें तो 69 Nm टॉर्क भी जनरेट करके दे देती है, जो कि इन दोनों गाड़ियों में कॉमन रहने वाला है। अब माइलेज की बात करेंगे तो अगेन इन दोनों वेरिएंट्स में आपको माइलेज भी सेम मिलती है, जो कि कंपनी क्लेम करती है 22.05 kmpl। अब क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं भी मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको एसी हीटर नहीं मिलता है, पावर स्टीयरिंग नहीं मिलता है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई जब इसमें ये बेसिक चीज़ें ही नहीं मिलती हैं तो गाड़ी लेने का फ़ायदा क्या है। तो हम उनको बता दें कि भाई जितने भी हमारे जो हिलीज एरिया है ना, हिल वाले यानी कि पहाड़ी एरिया जो जितने भी हैं, वहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह की गाड़ियाँ ही चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर पावर स्टीयरिंग गाड़ी की नीड नहीं होती है, और क्योंकि वहाँ का मौसम भी ज़्यादा अच्छा होता है तो वहाँ पर आपको एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ज़्यादातर ऐसे जो मॉडल्स होते हैं, बेस वेरिएंट होते हैं, ये पहाड़ों पर लोग खरीदते हैं और इन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस गाड़ी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर ज़रूर करें। और भी ऐसी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आप इसके वेरिएंट वाइज गाड़ी देखना चाहते हैं, आप इसका वेरिएंट देखना चाहते हैं LXi या फिर इसका VXi, VXi प्लस, हमने इसकी ऑलरेडी वीडियोज़ बना के अपने पेज पे डाली हुई है। कारखाना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आपने नहीं किया है तो, और वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आया हो तो आप एक डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये हक हम आपसे नहीं छीनेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।